किए थे उसको फटाक से रिवाइज भी कर लेते हैं 5-10 मिनट में, और उसके बाद आगे करते हैं। वही चीज बचा है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट बचा है और वेक्टर प्रोडक्ट बचा है। ये दोनों ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स की आगे चीजों को समझने के लिए। तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट बी, हम लोगों ने देखा था कि ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। रेड एज ए डॉट बी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका जो रिजल्ट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। मतलब ये जो ए डॉट बी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट और कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। तो हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि हमारे पास दो वेक्टर है, लेट से एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और इनके बीच में लेट से एंगल थीटा है, तो कोसाइन ऑफ द स्मॉलर ऑफ द एंगल, देखो दो इन दोनों वेक्टर के बीच में दो एंगल पॉसिबल, एक ये वाला एंगल और एक ये, तो इन दोनों में से जो छोटा एंगल होगा, छोटा एंगल थीटा है तो छोटे वाले एंगल को हम कंसिडर करेंगे। सो ए डॉट बी, जो ए डॉट बी वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दम। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में कंफ्यूज ना हो तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी कॉस ऑफ द थीटा विदाउट यूजिंग एनी क्रॉस या डॉट वाला चीज। तो ये ए डॉट बी का हमारा वैल्यू होता है। ठीक है, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हो गया। सिंस ए बी एंड कॉस थीटा आर स्केलर्स, देयरफॉर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। ए बी और कॉस थीटा ये सारे स्केलर्स हैं, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। दैट इज व्हाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो ये सारे नंबर्स हैं, मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लें, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लें, या कॉस ऑफ एंगल थीटा लें, ये सारे नंबर्स हैं, इनके बीच में कोई भी मतलब ये इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए इसका जो एंड रिजल्ट है ए डॉट बी का, हम कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट होता है। Each vector A and B has direction, but their scalar product does not have direction. देखो individually A और B को देखेंगे तो उनका अपना direction होगा, but जो इसका जो result है, जो AB cos theta जो result आता है, उसका कोई direction नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब तो शायद पिछले क्लास में भी हम लोगों ने किया था, है ना। Now geometrical interpretation of dot product. So geometrical interpretation of dot product of two vectors hai, let A be represented by OP and B be represented by OQ. तो हमारे पास एक वेक्टर A है जो कि OP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वेक्टर B है जो कि OQ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो So let A be represented by OP, B be represented by OQ, and angle POQ is equal to theta. ठीक है, ये जो angle POQ है, let's say this is equal to theta. Now draw R perpendicular to OP. तो ये जो है हम लोग ये RQ कर लो इसको, so draw RQ perpendicular to OP in given figure A. तो OR is equal to, ये जो OR है इसको हम लोग B cos theta, हम लोगों ने उस दिन भी बात किया था कि जिधर एंगल थीटा होता है उसका जो कंपोनेंट बनाते हैं, है ना, इसका अगर प्रोजेक्शन OQ का प्रोजेक्शन ये OP के अलोंग लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, B cos theta हो जाएगा। प्रोजेक्शन मतलब यहाँ पर से अगर हम लोग लाइट थ्रो करते हैं तो उसका जो शेडो का लेंथ होता है, ये शैडो का लेंथ ओ आर के बराबर हो जाएगा जो कि बी कॉस थीटा है। या फिर तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि ट्रायंगल क्यू ओ आर अगर हम लेंगे तो हमें पता है कि कॉस थीटा बेस बाय हाइपरटेनस है, तो बेस यहाँ पे ओ आर है और हाइपरटेनस ओ क्यू है, तो इससे हमारा आ जाएगा ओ क्यू इज इक्वल, सॉरी ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू इंटू
cos of theta. तो OQ जो है basically B के बराबर है. OQ का length जो है B का magnitude है. तो इसको हम लोग B cos theta भी लिख सकते हैं OR को. तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है. OR is equal to B cos theta. Is the projection of B onto A. Projection मतलब इधर से light throw करेंगे तो, या ऊपर से अगर हम देखते हैं, है ना, कोई ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है, राइट, तो ऑब्जर्वर अगर इधर से यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है कोई आई से, तो उसको इस OQ का लेंथ कितना दिखेगा, OR के बराबर दिखेगा. तो वो उसका प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन टू A. ना उसी तरह एक दूसरा प्रोजेक्शन, अगर हम OP का प्रोजेक्शन, राइट, इस पे लें, OQ पे लें. अभी हम लोग OQ का प्रोजेक्शन OP पे ले रहे हैं. अब हम लोग अगर OP का प्रोजेक्शन OQ पे लेंगे, ठीक है, हम लोग OP का प्रोजेक्शन OQ के ऊपर अगर हम लोग लेते हैं, तो उस केस में क्या है कि ये, सो ये जो PS है ये परपेंडिकुलर टू OQ हो गया. तो अब ये ट्रायंगल POS अगर हम कंसीडर करेंगे, ये जो ट्रायंगल POS इसको कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो cos थीटा है, तो cos थीटा इस एंगल थीटा के लिए इसका जो ऑपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर होता है, और इसके साथ वाला साइड बेस होता है. तो ये एंगल बेस हो गया, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस होता है. तो ये बेस हमारा OS है, cos थीटा OS बाय OP हो गया. तो OP का वैल्यू A अगर हम लोग लिख ले, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं OS बाय A, और OS का वैल्यू A cos थीटा हो जाएगा. तो जब हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ A onto B, A का B पे प्रोजेक्शन लेंगे, तो OS is equal to A cos थीटा जो है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ A into B, A का प्रोजेक्शन B के रूप में. क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा, ये हमारा ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर को इसका OP का लेंथ अब उसको OS के बराबर दिखेगा. अगर OQ के अलोंग हम लोग देख रहे हैं, तो ये लेंथ दिखेगा OP के लिए. तो जो प्रोजेक्शन होता है उसको ओरिजिनल वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो डॉट प्रोडक्ट निकल के आ जाता है. Now, dot product of two vectors is also defined as product of magnitude of one vector and the magnitude of the component of the other vector in the direction of first vector. So, अगर दो vector का हम लोगों को simple भाषा में समझें, अगर दो vector का dot product निकालना है, so it is defined as product of magnitude of one vector and magnitude of the component of other vector in the direction of the first vector. तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मतलब वही प्रोजेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन द फर्स्ट वेक्टर. अब देखो, हमने ये कर लिया कि भाई कोई भी दो वेक्टर है ए डॉट बी, तो इसका जो वैल्यू होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ, उस वेक्टर का लेंथ, बस वैल्यू बिना डायरेक्शन. So, when the two vectors, some special cases, अब अगर हम लोग अलग अलग special cases करेंगे, मान लो ये vectors parallel हैं दोनों, तो अगर दो vector parallel होता है तो उनके बीच का angle कितना, 0 degree हो जाएगा. दो vector है, एक ही direction में है, ये vector A हो गया और ये let's say B हो गया, ये दोनों vector एक ही direction में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच में, अगर इसको उठा के हम लोग पैरेलली वेक्टर को कहीं पे भी प्लेन में शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको अगर शिफ्ट करके यहाँ ले जाएंगे, तो ए और बी क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब इनके बीच में जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 0 degree हो जाएगा ए और बी के बीच में, एंगल बिटवीन देम. तो एंगल बिटवीन देम 0 degree हो गया, हमें पता है कि कॉस ऑफ 0 degree 1 के बराबर होता है. यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 0 degree एंगल. ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड हम लोग लिख लेते हैं, कॉस 0 degree हमारा 1 हो जाएगा. तो ये हमारा वेक्टर ए डॉट बी हो जाता है. ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर है ए डॉट बी, सीधे ए इंटू बी हो जाएगा.
इसी से हम लोग ये निकालते हैं, देखो जब हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, रेक्टेंगुलर इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स के टर्म में जब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उस केस में इस चीज का काफी यूज होता है कि दो यूनिट वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तब उसका अगर हम लोग को वैल्यू निकालना होगा डॉट प्रोडक्ट. देखो आई डॉट आई का मतलब क्या हो गया, आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम. दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो उनके बीच में एंगल कितना है, जीरो डिग्री है. आई डॉट आई, आई का मैग्नीट्यूड, आई क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है. उसी तरह यहाँ पे भी आई यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड वन होगा. कॉस जीरो डिग्री हमारा वन है, तो आई डॉट आई किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर. सिमिलरली जे डॉट जे करोगे, ये भी वही है, जे का यूनिट वेक्टर इंटू जे का यूनिट वेक्टर इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम. दोनों का यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वन के बराबर होगा, तो वन इंटू वन विच इज इक्वल टू वन हो जाएगा. सिमिलरली हम लोग बात करते हैं के डॉट के, ये सब यूनिट वेक्टर आप लोग को पता होगा जो लोग अगर आज नया आए हैं उनके लिए, कि भाई अगर हमारे पास एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है थ्री डायमेंशन में, तो जो x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है उसको i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. जो y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन उसके अलोंग हो, है ना, तो y एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है उसको j कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. k डॉट k अब हम लोग बात कर रहे हैं, k का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर के का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, जीरो डिग्री हो गया. यूनिट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे, है ना, यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या हो गया, वन इंटू कॉस जीरो डिग्री वन हो गया, दिस इज इक्वल टू वन. सो के डॉट के हमारा क्या हो जाएगा, ये फिर से वन हो जाएगा. तो कोई भी तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम बात करें उनके यूनिट वेक्टर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स. सेकंड पे आते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उस समय थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा. कॉस 90 हमारा जीरो है, ठीक है, ये जीरो डिग्री वाला समझ में आ गया ना सबको? यस सर. अब ये 90 डिग्री वाला अगर हम लोग समझे, इसको जस्ट हम हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं. सबने ये लिख लिया है जो मैंने लिखा है साइड में? यस सर. अब अगर हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला चीज करें, मान लो ये दो वेक्टर्स है, व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब सो व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन थीटा इज 90 डिग्री, कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ए डॉट बी इज ए बी कॉस 90 डिग्री. तो थीटा बेसिकली हमारे पास 90 डिग्री है, कॉस 90 हमारे पास जीरो डिग्री हो. म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब एक वेक्टर इधर और दूसरा वेक्टर इधर. मान लो हम लोग अब जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये हमारा वेक्टर ए है लेट्स से और ये वेक्टर बी है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा अगर हम लोग ए डॉट बी यहाँ पे निकालेंगे तो ये होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम. सो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड. कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है और जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो उस केस में ए डॉट बी जीरो हो जाएगा. तो इसके इसके आधार पे ये जो हम लोगों ने प्रूव किया कि कभी भी दो वेक्टर जब
परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो हमें तो ये पता है कि आई और जे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अभी हम लोग थ्री डायमेंशन की बात कर रहे थे तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर था वो हमारा आई कैप था, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो हमारा जे कैप है, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो के कैप है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। अब ये सारे जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये सारे आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये 90 बनाएगा, ये 90 बनाएगा, ये 90, तीनों आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री बनाएंगे। तो आई डॉट जे करेंगे, इसका मतलब हो गया वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, कॉस एंगल कितना है 90 डिग्री है। अब आई का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, जे का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, कॉस 90 जीरो हो गया, तो ये जीरो हो जाएगा। उसी तरह जे डॉट के करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा जे का मैग्नीट्यूड इंटू के का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, कॉस 90 जीरो, ये जीरो हो जाएगा। जे डॉट के बाद ये के डॉट आई हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू के का मैग्नीट्यूड आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सो के का मैग्नीट्यूड आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 कॉस 90 जीरो, तो ये हो गया जीरो। तो आई डॉट जे जीरो हो गया, जे डॉट के जीरो हो गया और के डॉट आई जीरो हो गया। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। आगे सबको समझ ये वाला भी केस? यस सर। यस सर। ठीक। अब अगर हम लोग एंटी पैरेलल डायरेक्शन में देखते हैं, एंटी पैरेलल तीसरा केस कर रहे हैं। एंटी पैरेलल का मतलब ये एंगल, इनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है। मतलब अगर एक वेक्टर ए इधर है और दूसरा वेक्टर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में जो एंगल है वो अगर 180 डिग्री है इन दोनों के बीच का एंगल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग वेक्टर ए डॉट बी लिखेंगे तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 180 डिग्री लिखेंगे, इनके बीच में जो एंगल है उसका कॉस, ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड कॉस 180 डिग्री, हमने पता है ये माइनस 1 के बराबर होता है, है ना। जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास अटेंड की होगी उनको पता है ये, और जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज पीछे जो हम लोगों का जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसको देखें और उससे समझें। फिर कॉस 180 डिग्री हमारा माइनस 1 है, तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो वही चीज यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल डॉट प्रोडक्ट का वर्क डन है, हमें पता है वर्क डन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। सो अगर वर्क डन हम लोग को लिखना है, सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना बच्चे।
सॉरी बच्चों तो हम लोग ये जो एंटी पैरेलल वाला कर रहे थे, ये आ गया समझ में सबको एंटी पैरेलल वाला भी ना? ये एंटी पैरेलल वाला भी आ गया ना सबको समझ? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब अगर हमारे पास एक वेक्टर आई जे के कंपोनेंट्स में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में उस वेक्टर को लिखा हुआ कहते हैं, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो एक वेक्टर ए जो है उसका हम लोग तीन कॉम्पोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, एक्स वाई और जेड कॉम्पोनेंट में, जो कि आई जे के अलोंग है। तो उसको वेक्टर ए को हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। उसी तरह वेक्टर बी है उसको हम लोग लिख सकते हैं बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। और अगर इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो उसको हम लोग लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट ऑफ बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, है ना। अब जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए एक्स आई का डॉट प्रोडक्ट लेंगे पहले पूरे के साथ बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के, उसी तरह ए वाई जे को खोल लेंगे, इसको हम बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, और ए जेड के को फिर से हम लोग बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। अब हम लोग एक एक करके अंदर लेके जाते हैं, तो ए एक्स आई को जब ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ए एक्स इंटू बी एक्स आई डॉट आई हो जाएगा, फिर ए एक्स इंटू बी वाई आई डॉट जे हो जाएगा, और फिर ए एक्स इंटू बी जेड आई डॉट के हो जाएगा। ये हम लोग तीनों से अलग अलग ए एक्स को मल्टीप्लाई कर लिया। फिर ए वाई को अंदर लेके जाएंगे तो ए वाई बी एक्स और जे डॉट आई जे डॉट जे और जे डॉट के, तो अलग अलग ए वाई बी एक्स जे डॉट आई ए वाई बी वाई जे डॉट जे और ए वाई बी जेड जे डॉट के हो गया। तीसरा अब हम लोग इस पे आएंगे, ए जेड के को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो ए जेड बी एक्स के डॉट आई हो गया, ए जेड बी वाई के डॉट जे हो गया और ए जेड बी जेड के डॉट के हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके करते हैं। ये देखो ये जो i डॉट i है ना, j डॉट j है और k डॉट k है, इन सब का वैल्यू हम लोग अभी देखे थे, ठीक है। ये 1 हो गया, j डॉट j का जो वैल्यू है ये भी 1 हो गया, और k डॉट k का वैल्यू जो है ये भी 1 हो गया। अब जब ये इन तीनों का वैल्यू 1 है और इसके बाद आई डॉट जे, आई और जे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, अभी पीछे हम लोग देखे इसका वैल्यू 0 होता है, आई डॉट के ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है वैल्यू 0 होगा, जे डॉट आई का वैल्यू 0, जे डॉट के का भी वैल्यू 0 होगा, के डॉट आई का भी वैल्यू 0 होगा, के डॉट जे का भी वैल्यू 0 होगा। मतलब सेम को सेम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आई डॉट आई है, जे डॉट जे है, के डॉट के है, वो तो 1 होगा, बाकी किसी को भी किसी और के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट लेंगे हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये आई जे के का जो डायरेक्शन है ये आपस में, ये आपस में और ये आपस में, ये सारे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जिसके वजह से ये इनका जो डॉट प्रोडक्ट आपस में निकालते हैं, आई का मान लो जे के साथ निकालें या जे का के साथ निकालें या k का i के साथ निकालें, हर केस में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे i डॉट i है, j डॉट j है और k डॉट k है, वो बस 1 होगा। तो अब अगर इसको सॉल्व कर लें, बाकी जो 0 है उन सबको छोड़ देंगे, बचा ax bx into 1, है ना, और ये देखो ax by 0 हो गया, ax bz 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर ay bx 0 के साथ, ay by 1 के साथ, यहाँ पे j dot j 1 है, उसके बाद ay bz 0 के साथ, az bx 0 के साथ, az by 0 के साथ और az bz ये 1 के साथ, 0 0 के साथ जो है उन सबको तो हटा देंगे, बच गया जो 1 वाला वो हो गया ax bx ay by और az bz। मतलब
कि कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर हमें निकालना है, मान लो ए डॉट बी कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ऐसा लिखते हैं, और डॉट प्रोडक्ट इसका ले रहे हैं हम लोग बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के साथ। जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करके, देखो ए एक्स बी एक्स है मतलब एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ, आई का जो कफिशियंट है आई के कफिशियंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे का जो कफिशियंट है वो जे के कफिशियंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए वाई बी वाई, और उसी तरह के का जो कफिशियंट है वो के कफिशियंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ए जेड बी जेड। तो इसका मतलब ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड ऐसे लिख के हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक और अगर हम नॉर्मल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लें, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है इसी, ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है ए इज इक्वल टू थ्री आई प्लस फोर जे प्लस टू के। थ्री क्या है, ए एक्स है, 4 क्या है ए वाई है, और 2 क्या है ए जेड है, मतलब x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। उसी तरह यहाँ पे बी एक्स 6 हो गया, बी वाई 8 हो गया और बी जेड 5 हो गया। तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बस हम लिख रहे हैं, ये ए एक्स हो गया, ये ए वाई हो गया और ये ए जेड हो गया। उसी तरह ये हमारा बी एक्स हो गया, ये हमारा बी वाई हो गया, ठीक है, और ये हमारा bz हो गया। तो अब अगर हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, वेक्टर a डॉट b करेंगे, तो ये हमारा हो जाता है क्या, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। x को x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ, मतलब i कंपोनेंट को i कंपोनेंट, i कंपोनेंट का जो कोफिशिएंट है 3, उसको इधर वाले आई कंपोनेंट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 6 प्लस यहाँ पे जो जे कंपोनेंट का कोफिशिएंट और इधर जो जे का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 × 8 और यहाँ पे जो के का कोफिशिएंट है और यहाँ जो के का कोफिशिएंट है दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 × 5। ये मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 18, 32 और 10। सो 32 + 8 = 40, 50 और ये 10 60 हो गया। तो a डॉट b हमारा क्या निकल गया, 60 के बराबर है। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक दूसरा वेरिएशन है क्वेश्चन का। वहां पे दो वेक्टर दे रखा है हमारे पास, एक वेक्टर p है दिया हुआ और दूसरा वेक्टर q है दे रखा है। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये दोनों कितना 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, राइट, सो वेक्टर पी पहले लिख लेते हैं, ए आई प्लस ए जे प्लस 3 के। दूसरा वेक्टर क्यू लिख लेते हैं, ए आई माइनस 2j - k। ये दो वेक्टर दे रखा है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब वेक्टर पी और क्यू आपस में परपेंडिकुलर है। हमें पता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, पी डॉट क्यू इज इक्वल टू पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस ऑफ 90 डिग्री 0 होता है, तो पी का मैग्नीट्यूड
Q का मैग्नीट्यूड cos 90 मतलब 0 which is equal to 0 हो गया. तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. अब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट 0 है. अब हम लोग देखो जो P डॉट Q अगर हम लोग करते हैं तो वेक्टर P डॉट Q अगर हम लोग निकालते हैं हमारे पास एक वेक्टर है AI प्लस AJ प्लस 3K. ये एक वेक्टर है. इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं AI माइनस 2J माइनस ऑफ K के साथ. अब दिस इज इक्वल टू I डॉट I 1 होता है A इंटू A क्या हो गया A स्क्वायर हो गया है ना. हम लोग ने क्या देखा था I को I कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो I डॉट I 1 हो जाता है तो A स्क्वायर और J कंपोनेंट को J कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर लें J A इंटू माइनस 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2A हो जाएगा और उसके बाद K कंपोनेंट को K कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 3 हो जाएगा. तो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0. सो दैट मींस है ना हमें पता है कि ये डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए. सो इससे हमारा क्या आएगा इक्वेशन a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं तो a स्क्वायर माइनस 3a ठीक है प्लस ऑफ ए है ना माइनस 3 प्लस 1 तुम्हारा माइनस 2 हो जाएगा और प्रोडक्ट माइनस 3 हो जाएगा प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0. ए कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ अंदर ए माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो ए इज इक्वल टू माइनस 1 और a इज इक्वल टू 3. तो वैल्यू ऑफ a दोनों में से कोई भी हो सकता है माइनस 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है. क्लियर है बच्चों? यस सर. समझ आ गया आप लोग को? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर. अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट्स है. सो हमारे पास इस पे अगर हम लोग बात करें सो टू फाइंड द एंगल देखो क्या. अब देखो हम लोगों ने पहले तो सीखा कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में वो भी हम लोगों ने देख लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे करते हैं. अब हम लोग देखेंगे उसके एप्लीकेशन यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है स्केलर प्रोडक्ट का. तो सबसे पहला यूज बहुत बेसिक यूज है और बहुत कॉमनली यूज जो सब जगह देखोगे फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. मैंने बोला कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी. हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं एक वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है. हमें अब इनके बीच का एंगल निकालना ठीक है कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दम. तो ए डॉट बी अगर हम लोग करेंगे सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. हमें ये एंगल निकालना है इसके बीच का. तो देखो कॉस थीटा अगर हम लिखेंगे ए बी को इधर लेके डिवाइड कर देंगे तो वेक्टर ए डॉट बी और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं ए का मैग्नीट्यूड से और बी का मैग्नीट्यूड से. तो वेक्टर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड इज द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. तो जब भी हम लोग को दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो सीधा यही फॉर्मूला लगाएंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड. क्लियर है बच्चों? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी को अगर हम पढ़े तो हमारे पास अगर दो वेक्टर दे रखा है लेट से वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के. ये एक वेक्टर है. दूसरा वेक्टर हमें दे रखा है वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई
प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये हमें दो वेक्टर दे रखा है। अब इसका हम लोग ए डॉट बी अगर निकालते हैं, वेक्टर ए डॉट बी, तो हमने देखा था आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब ए एक्स इंटू बी एक्स हो जाएगा, प्लस वाई को वाई के साथ कर देंगे ए वाई इंटू बी वाई, और जेड को जेड के साथ कर देंगे ए जेड इंटू बी जेड। ये ए डॉट बी निकल गया। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमें पता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके कंपोनेंट का स्क्वायर का सम और स्क्वायर रूट कर देते हैं, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये ऐसे ये फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड निकालने का। उसी तरह बी का मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी वाई स्क्वायर प्लस ऑफ बी जेड स्क्वायर। ये सबका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया ए का और बी का, और ए डॉट बी करके हम लोगों ने निकाल लिया। अब अगर हम लोगों को एंगल निकालना है कॉस थीटा इनके बीच में, सो कॉस थीटा हमारा क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी मेरा क्या है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये हमने कॉस थीटा के लिए ये यूज किया, डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ऑफ ए जेड स्क्वायर, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मतलब इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे रूट अंडर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये हमारा कॉस थीटा का वैल्यू अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालना है तो। ये तो सजेस्टेड नहीं है कि अलग अलग फॉर्मूला याद करो, एक ही फॉर्मूला याद करोगे, ये वाला है ना, ये वाला फॉर्मूला बस याद करेंगे, जिससे कि जब भी कुछ निकालना होगा तो इस फॉर्म में हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अब हम लोग अगर एग्जाम्पल इसका करें, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एंगल बिटवीन, दो वेक्टर दिया हुआ है, एक 3i प्लस 4j और दूसरा दिया हुआ है 12i प्लस 5j। तो हमारे पास एक वेक्टर a है, दिस इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, और दूसरा वेक्टर b है विच इज इक्वल टू 12y प्लस 5j। अब इनका जो हमें एंगल निकालना है, हम लोगों ने फॉर्मूला देखा cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट b राइट डिवाइडेड बाय वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इनटू सॉरी वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, इससे मल्टीप्लाई कर। सो a का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालते हैं या a डॉट b अगर पहले करो, तो हमने क्या देखा था, x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 12, और y कंपोनेंट को y कंपोनेंट से ax bx प्लस ay by है ना, मतलब 4 इंटू 5। फॉर्मूला के तौर पे अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो ax इंटू bx प्लस ऑफ ay इंटू by। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 12 हमारा 36 हो जाता है और 4 इंटू 5 20 हो जाता है, 36 प्लस 20 56 हो गया हमारा a डॉट b का वैल्यू, वेक्टर a डॉट b का वैल्यू 56 हो। अब cos थीटा अगर हमें निकालना है, सो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b मतलब 56 डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड। तो अगर हम लोग वेक्टर a का मैग्नीट्यूड देखें, सो दिस इज रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो 9 प्लस 16 इज 25, रूट 25 इज 5। उसी तरह वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो दिस इज 144 प्लस 25 है ना, ये हो गया रूट 169 विच इज इक्वल टू 13 हो गया।
तो अब अगर हम लोग ए का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें, 5 × 13 हो गया, राइट, तो दिस इज 56/65, तो ये हमारा कॉस थीटा का वैल्यू होता है 56/65, ठीक है। अब थीटा को लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ 56/65, मतलब कॉस को इधर लेके जाते हैं, थीटा को बस निकालना होता है, तो इनवर्स के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ये लिखने का तरीका है। मतलब अगर कोई भी चीज है, कॉस थीटा इज इक्वल टू सम वैल्यू, लेट्स से एक्स हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इधर आएगा तो इनवर्स के फॉर्म में, मतलब ये एंगल बताता है, कॉस इनवर्स मतलब एंगल बताएगा। मतलब अगर हमारे पास मान लो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सॉल्व करके हमें पता है कि भाई 1/2 क्या होता है, कॉस 60 के बराबर होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, तुमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करना नहीं आएगा, है ना, तो बस ये है कि कभी कभी ऑप्शंस में ऐसे दिया हुआ रहेगा कि कॉस इनवर्स ऑफ ये, इसका मतलब हुआ कि कॉस थीटा का वैल्यू 56/65 आना चाहिए। क्लियर है बच्चों? पहला एप्लीकेशन सबको समझ में आ गया कैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं एंगल निकालने के लिए। अब दूसरा है, देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। दूसरा एप्लीकेशन जो हमारा है यहाँ पे, दिस इज टू फाइंड द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, एक वेक्टर का कॉम्पोनेंट दूसरे के अलोंग हम लोग को निकालना, ठीक है, टू फाइंड द कॉम्पोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, मतलब इस वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के अलोंग निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इससे इस पे डाल देते हैं परपेंडिकुलर, पहले प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर बी के अलोंग निकाले तो ये कितना आ गया, ए कॉस थीटा आ गया। अब हमको इसका डायरेक्शन क्या देना है, वेक्टर बी का डायरेक्शन देना है, तो ए कॉस थीटा में हम लोग बेसिकली जो ए कॉस थीटा हो गया, ए डॉट बी बाय बी हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बेसिकली ए कॉस थीटा को हम लोग बी के अलोंग लेना है, तो इसको हम लोग डॉट बी का जो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी के मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो इसका कंपोनेंट इसके अलोंग आ जाएगा, ठीक है। तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड होता क्या है, ए डॉट बी निकालोगे तो ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन। अब हम कह रहे हैं कि तुम ए डॉट बी को बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मतलब कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है ना इनटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से कर दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, राइट। तो यही चीज तो हम लोग अभी बात भी कर रहे थे ना, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग क्या है, ए कॉस थीटा के बराबर है, ए कॉस थीटा के बराबर कब आएगा, जब ए डॉट बी को हम बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट सो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी अगर हमें करना है, so this is equal to a dot b unit vector along b, b को b के magnitude से divide करने का मतलब क्या हो गया, ये unit vector ही तो हो गया b divided by b का magnitude, तो इसको a dot b cap सीधे हम लोग लिखते हैं, तो a dot b cap, या फिर अगर ऐसे b vector के terms में लिखो तो a dot b by b का मैग्नीट्यूड।
Is it clear? Yes, sir. तो ये तो हमारा हो गया कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। तो यहाँ पे ये क्या दे रहा है, बस वैल्यू दे रहा है, मतलब बस उसका जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में बात कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, अगर हम लोग को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म्स में, तब हम लोग जो है उसमें बी का डायरेक्शन भी कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेकेंड वाला, यहाँ पे वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी बात कर, है ना। तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी और डायरेक्शन ऑफ बी ले लेंगे। मतलब ये जो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी हम लोग किए थे ए कॉस थीटा था, इसको बी के डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब बी का डायरेक्शन इज बी का यूनिट वेक्टर। तो बेसिकली ए कॉस थीटा ए डॉट बी बाय बी है, है ना। और उसको अगर यूनिट वेक्टर से करेंगे तो यहाँ पे a डॉट b बाय b इस तरह से। अब हमें ये पता है कि ये जो a डॉट b जो हम लोग निकाले a डॉट b बाय b, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a डॉट b का यूनिट वेक्टर, और इसके अलोंग अगर हम लोग को करना है b के अलोंग करना है तो उसका डायरेक्शन यहाँ पे अलग से एक ऐड कर देंगे। तो a डॉट b और साथ में उसका डायरेक्शन भी बता देंगे, तो उससे हम लोग को वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो ये वेक्टर कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला है। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ए अलोंग बी, और उसको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्शन बी का डायरेक्शन। बी का डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ बी, तो उसको यूनिट वेक्टर ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लोग को वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकल गया। क्लियर है बच्चों? यस सर। सेम चीज है, वहां पे बस हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे, यहाँ पे वेक्टर कंपोनेंट निकाल रहे हैं। वेक्टर कंपोनेंट के लिए एक बी कैप से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका डायरेक्शन निकालना। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल लेंगे दोनों का एक एक। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट 3i प्लस 4j अलोंग i प्लस j। तो देखो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है सबसे पहले, तो वेक्टर कंपोनेंट नहीं निकालना है बट मैग्नीट्यूड निकालना है 3i प्लस 4j का वेक्टर का i प्लस j वेक्टर के अलावा। तो ये मेरा हो गया वेक्टर a और ये हो गया हमारा वेक्टर b। तो हम लोगों ने क्या देखा था, सो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ ए एलोंग बी, इसका फॉर्मूला होता है, बच्चों एनोटेट ना करें प्लीज, है ना। हाँ जी, सो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ ए एलोंग बी अगर निकालना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो फॉर्मूला है हमारा वेक्टर ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर, यही फॉर्मूला था हमारा। ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर, बी का यूनिट वेक्टर मतलब ए का वेक्टर मतलब 3i प्लस 4j, ये वेक्टर ए हो गया। डॉट ऑफ बी का यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर बी डिवाइडेड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो डाल देते हैं वैल्यू, 3i प्लस 4j को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर बी है हमारा i प्लस j और डिवाइडेड बाय इसका इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आई प्लस जे, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 1 है ना, बी एक्स 1 और बी वाई भी 1, तो रूट अंडर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, वही तो उसका मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? तो इसको हम लोग लिख लेंगे दिस इज इक्वल टू, और जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमने क्या देखा था, भाई एक्स कॉम्पोनेंट को एक्स कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 into 1, ठीक है, 3 into 1
प्लस ऑफ y कंपोनेंट को y से 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 4 × 1 डिवाइडेड बाय इसका रूट अंडर 1² + 1² रूट अंडर 2 हो गया, तो 3 × 1 3 + 4 × 1 4 3 + 4 7 डिवाइडेड बाय रूट 2, तो ये 7 डिवाइडेड बाय रूट 2 ये मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी हो जाता है। क्लियर बच्चों? यस सर। लिख लिया सभी ने? यस सर। अब दूसरा कह रहा है हमें द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, तो हमारे पास एक पार्टिकल है उसका वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3i + 2j + 3k और वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी पैरेलल टू लाइन l i − j + k। ठीक है, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। हमें वेक्टर कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी पैरेलल टू लाइन ये इसका वेक्टर कंपोनेंट इसके पैरेलल निकालना, मतलब इसके अलोंग निकालना है वेक्टर कंपोनेंट। तो अभी हम लोग जो है ना मैग्नीट्यूड देख रहे थे और डायरेक्शन वाले के लिए सो वेक्टर कंपोनेंट और वेक्टर वी अलोंग वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर वी डॉट एल का यूनिट वेक्टर इनटू एल का यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज वी डॉट एल का यूनिट वेक्टर, मतलब वेक्टर वी डॉट वेक्टर एल डिवाइडेड बाय वेक्टर एल का मैग्नीट्यूड इनटू एल का यूनिट वेक्टर। अब ये थोड़ा हम लोग निकाल लेते हैं, भाई एल का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो पहले वेक्टर एल का मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो दिस इज इक्वल टू इन सब का जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड का, मतलब एल एक्स प्लस एल वाई, तो अगर एल का मैग्नीट्यूड निकालना होगा फॉर्मूला देखें तो इसका क्या हो जाएगा रूट अंडर एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, तो एल एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, एल वाई स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर, एल जेड स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू रूट अंडर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा, एल का यूनिट वेक्टर का मतलब दिस इज इक्वल टू जो भी वेक्टर एल है डिवाइडेड बाय वेक्टर एल का मैग्नीट्यूड, वेक्टर एल है हमारा i − j + k डिवाइडेड बाय एल का यूनिट वेक्टर मतलब √3। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√3i − 1/√3j +1/√3k। ठीक है, अब इसको यहाँ पे वैल्यू डाल दो v डॉट l का यूनिट वेक्टर, v डॉट l मतलब हमारे पास जो l का यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय रूट थ्री है, मतलब l का जो मैग्नीट्यूड v डॉट l करेंगे 3i + 2j + 3k डॉट और i − j + k डिवाइडेड बाय √3, क्योंकि उसका जो मैग्नीट्यूड हमने √3 निकाला है और l वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर, सो दिस इज इक्वल टू 1/√3i − 1/√3j + 1 बाय
रूट थ्री के। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक्स कंपोनेंट का एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री इंटू वन, सो दिस इज थ्री इंटू वन माइनस टू इंटू वन प्लस थ्री इंटू वन, सो थ्री इंटू वन माइनस टू इंटू वन प्लस थ्री इंटू वन डिवाइडेड बाय रूट थ्री इंटू वन बाय रूट थ्री आई माइनस वन बाय रूट थ्री जे प्लस वन बाय रूट थ्री के। अब इधर लिख ले रहे हैं थोड़ा, देखो थ्री इंटू वन थ्री माइनस टू प्लस थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स माइनस टू फोर हो गया, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया फोर बाय रूट थ्री इंटू वन बाय रूट थ्री आई माइनस वन बाय रूट थ्री जे प्लस वन बाय रूट थ्री के हो गया। इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारे को, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाता है, ये फोर बाय थ्री आई हो गया रूट, और फिर माइनस फोर बाय थ्री जे प्लस ऑफ फोर बाय थ्री के, ये हमारा वेक्टर हो गया। क्लियर बच्चा? यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। Now, eighth question है, a constant force 2i plus 3j plus 4k produces a displacement of 2i plus 3j plus 4k. What is the work done? So हम लोग को पता है work done W is equal to F dot displacement, force का displacement vector के साथ dot product होता है, ये example है dot product का, work done is an example of यू नो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो स्केलर प्रोडक्ट जब भी दो वेक्टर का लोगे तो एक स्केलर मिलता है, और इसीलिए वर्क डन जो है स्केलर क्वांटिटी है, इवन दो तुम फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, बस इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है दोनों वेक्टर का। सो अगर हम लोग ये निकालते हैं वैल्यूज एफ डॉट एस करके, तो देखो हमारा डॉट प्रोडक्ट निकाल, पहले फोर्स वेक्टर लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये हमारा एक फोर्स का वेक्टर है, इसको डॉट कर रहे हैं हम लोग 2i प्लस 3j प्लस 4k से। तो अब जो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i को i से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू टू, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट से थ्री इंटू थ्री, और के कंपोनेंट को के कंपोनेंट से फोर इंटू फोर, सो फोर प्लस नाइन प्लस सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव प्लस फोर ट्वेंटी नाइन हो गया, तो ट्वेंटी नाइन जूल वर्क डन इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन जूल। ठीक है, तो देखो वर्क डन जो हम लोग वर्क वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर करेंगे वहां इसका यूज होगा। तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई कहाँ पे इसका यूज होगा, तो ये एक उदाहरण है जहाँ पे हम लोग यूज करेंगे उसको, काफी कई सारे चैप्टर्स में इनफैक्ट डॉट प्रोडक्ट का यूज होगा। तो ये सब जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये सारे हमें बाकी चैप्टर्स को समझने में अच्छे से मदद करेगा। इस चैप्टर से नहीं आएगा बेटा? सर इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन निकालने के।
डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, जो अभी कंपोनेंट वाला कर रहे थे वो सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो सब आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। और लेकिन यूज इसलिए भी ज्यादा हो जाता है कि इस चैप्टर को बाकी जगह भी हम लोग को यूज करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली तो आता ही है, यही एक चैप्टर है, पहला चैप्टर मान लो वो जो मोशन इन वन डायमेंशन के बाद ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर का स्पेसिफिक अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाए, जहाँ सिंपली तुमको डॉट, अभी हम लोग हम देंगे तुमको बहुत सारा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स पेपर से भी देंगे और इनसे भी, तब तुम एनालाइज कर पाओगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। Yes. आज के क्लास के बाद तुम लोग को ऐसे भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक तो कॉन्सेप्ट चल रहा था, अब जो है एप्लीकेशन पे आ गया, तो अब क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे हम लोग। ये कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. वहां किताबें सबको मिल गई हैं, सभी बच्चों को किताबें मिल गई हैं, बुक्स हम लोग को आज मिलेगा, आज मिलेगा। अच्छा, if the magnitude of two vectors are 2 and 3 and the magnitude of their scalar product is 3 root 2, then find the angle between the vector. Dono vector ka alag alag de rakha hai aur scalar product ka bhi magnitude de rakha hai, ab angle nikalna hai between the vectors. Hum logo ne kya bola tha, cos theta is equal to vector a dot b divided by vector a ka magnitude vector b ka magnitude. A dot b मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स और स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट तुमको दे रखा है 3 √2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 √2 डिवाइडेड बाय 2 × 3 जो ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब 3 कैंसिल हो गया, तो रूट टू को कैंसिल करेंगे, √2 1/√2 हो गया, तो हमारा वैल्यू है कॉस थीटा इज 1/√2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos theta is equal to cos of 45 degree, हमें पता है भाई 1/√2 45 degree पे होता है, तो theta is equal to कितना हो गया 45 degree, तो angle between the two vectors is 45 degree. Clear है बच्चों? अब आता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालें। तो देखो ये स्केलर प्रोडक्ट खत्म हो गया, उसका एप्लीकेशन भी इतना ही था, अब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पे आएंगे। मैंने बताया था कि किसी भी दो वेक्टर्स के दो तरीके से हम लोग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर प्रोडक्ट का जो फाइनल रिजल्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज अनदर वेक्टर सी, सो हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। तो अगर हम लोग को दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है तो उसको ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको पढ़ते कैसे, ए क्रॉस बी, ए इंटू बी नहीं पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी पढ़ेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। If theta is the smaller angle between A and B, तो जो definition कहता है vector A cross B का, कि A cross B जो vector C है, is equal to AB sin theta और C का cap मतलब कि एक एक unit vector which is perpendicular to vector A and B, तो C क्या है, एक unit vector which is along a direction which is perpendicular to both A and B. तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अभी हम लोग आगे करेंगे। तो ए क्रॉस बी अगर हम लोग ऐसे समझे, वेक्टर ए क्रॉस बी, तो हम लोग इसको लिखते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा,
और बहुत जगह तुम देखोगे एन कैप लिखा होता है। एन कैप मतलब वो नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ये उसका डायरेक्शन देता है। क्योंकि हमने बोला भाई क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो ये वाला पोर्शन मैग्नीट्यूड हो गया और ये वाला पोर्शन हमारा डायरेक्शन हो गया। वेक्टर क्वांटिटी है तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये हमारा डायरेक्शन हो गया। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास एक वेक्टर ए इधर है राइट, और वेक्टर बी इधर है, हमारे पास एक वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, ए क्रॉस बी ये इस डायरेक्शन में है जो कि इससे भी परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर है, थ्री डायमेंशन हो गया बेसिकली। तो ए क्रॉस बी मतलब ए को जब बी के तरफ ऐसे घुमाएंगे, अपने फिंगर्स को क्या करो है ना, हम लोग ये चीज राइट हैंड थंब रूल तुम लोग मैग्नेटिज्म में भी पढ़े हो 10th क्लास में, ए वेक्टर के अलोंग अपना हाथ रखेंगे पाम और उसको फिंगर्स को बी के तरफ ऐसे कर्ल करेंगे। तो ए के तरफ पाम रख के फिंगर्स को बी के तरफ कर्ल करेंगे तो जो डायरेक्शन है हमारे थंब का डायरेक्शन ऊपर के तरफ आ रहा है, तो वो हमारा डायरेक्शन हो जाएगा एन कैप का। तो ए क्रॉस बी तो ये एन कैप हो गया तुम्हारा एन कैप का डायरेक्शन। सो तुमको अगर अच्छे से समझना है तो एक मिनट बस शेयरिंग हम बंद कर रहे हैं जिससे तुम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे हमको देख पाओ है ना। तो मेरा वीडियो अभी देखना जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, अगर हमारा वेक्टर ए है इस तरफ और बी इधर आगे की तरफ है तो हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी के तरफ अपना फिंगर्स कर्ल करेंगे, जिधर ये थंब ऊपर के तरफ होता है वो हमें डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी बता है। ठीक है, तो इस चीज का बस मतलब इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल कहते हैं या राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं।